सूर्य सिद्धांत के इस 33वें भाग में हम स्पष्ट भूपरिधि का साधन और ग्रहों में देशांतर संस्कार और रेखादेश तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। यहाँ हम जिस तरीके से प्रारंभ से देख रहे थे, हम सूर्यांश पुरुष के वचनों को शब्दशः समझने के प्रयास कर रहे हैं, अतः हम बहुत गहराई से जाने का प्रयास नहीं करेंगे और इस क्रम में हमने कोई भाग को नामकरण नहीं किए हुए हैं, कोई बिंदु ऐसे निश्चित नहीं है, अतः इस भाग को भी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि स्पष्ट भूपरिधि का भाग है अथवा देशांतर संस्कार का भाग है अथवा रेखा देशों का भाग है। हाँ, हम क्रम में 59 श्लोकों को देख चुके हैं मध्यमाधिकार का। आज 60वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और 60वें श्लोक और 61 और 62 इन श्लोकों में हमारे सामने ये बिंदु आएंगे। पिछले भाग में मध्यम भूपरिधि का मान बताए थे, योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णो द्विगुणानितु तत्वर्गतो दशगुणात् पदम भूपरिधिर् भवेत्। तो वहां पर बात हम लोगों का ये भी हो रहा था, यह मध्यम मान है, मध्यम मान से भूमि की यह परिधि है, अर्थात वो पृथ्वी की किसी एक स्थान का। अभी हम उस विचार में भी नहीं चलते हैं कि आखिर पृथ्वी की वह परिधि कहाँ पर है, ध्रुव स्थान में, दोनों ध्रुवों के बीच में, क्या नारी मंडल ही वह स्थान है, इत्यादि बहुत बातें हैं, क्योंकि हम अभी तक इनका विचार, नारी मंडल इत्यादि का विचार गहराई से किए नहीं थे, इसलिए वहां तक भी हम नहीं चलते हैं। श्लोकों को आचार्य के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। तो कल अर्थात पिछले भाग में हमारे सामने मध्यम भूपरिधि का मान आ गया। अब आगे क्या कह रहे हैं आचार्य जी, लंबद्याघ्नः त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधि स्वकः। यह 7वें श्लोक का पहला हिस्सा है। लंबद्याघ्नः त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिः स्वकः। स्वकः स्वकीय अर्थात स्वकीय अर्थात जिस स्थान का हम चाह रहे हैं उस स्थान का क्या होगा, भूपरिधि होगा। कौन सा भूपरिधि? स्फुटः भूपरिधिः, स्पष्ट भूपरिधि होगा, अर्थात जिस स्थान में हम खड़े हैं अथवा जिस स्थान का हम ग्रहों का साधन कर रहे हैं अथवा हम जिस स्थान का जानना चाह रहे हैं उस स्थान का स्पष्ट भूपरिधि होगा। क्या करने पर? लंबद्याघ्नः, लंबद्याघ्नः माने लंबद्या से गुणित। कौन सा? इसके पहले श्लोक में हम जो पढ़े हैं उसको। इसके पहले श्लोक में क्या आया था? मध्यम भूपरिधि। उस मध्यम भूपरिधि को हम लंबद्या से गुणा करेंगे, त्रिजीवाप्तः, त्रिजीवा से उसको आप्त करेंगे, भाग देंगे। त्रिजीवा किसको कहते हैं? त्रिज्या को, अर्थात तीन राशियों की ज्या को, 90 अंश की ज्या को। ये क्या होती है हम आगे देखेंगे, अगले अध्याय में आचार्य समझाते हैं इसके बारे में। फिलहाल वर्तमान में हमें इतना ही जानना है उस प्राप्त मध्यम भूपरिधि को, पाठ पठित मध्यम भूपरिधि को, आचार्य के द्वारा बताए गए उस मध्यम परिधि के मान को लंबद्या से गुणा करना है, त्रिज्या से भाग देना है, बस वो उस स्थान का, अभीष्ट स्थान का भूपरिधि हो जाता है। लंबद्याघ्नः त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधि स्वकः। अब यहाँ एक श्लोक का आधा हिस्सा हुआ और एक विषय आचार्य जो बताना चाह रहे हैं वो सामने आ गया। अब क्या कह रहे हैं? तेन देशांतराभ्यस्ता तेन देशांतराभ्यस्ता ग्रहभुक्तिः विभाजिता
इसको तेना उससे, किससे, इसके पहले जो भी हमें प्राप्त हुआ है उससे, पहले हमें प्राप्त क्या हुआ है, स्फुटो भूपरिधि, स्पष्ट भूपरिधि हमको प्राप्त हुआ है। तेना माने उस स्पष्ट भूपरिधि से, देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति समस्त पद है, देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति माने देशांतर से अभ्यस्त ग्रह भुक्ति, माने ग्रह की जो गति है, ग्रह की जो भुक्ति है उसको देशांतर से गुणा करके, माने देशांतर से गुणित तो उस ग्रह भुक्ति को तेना माने उस स्पष्ट भूपरिधि से विभाजिता, विभाग देंगे, भाग देंगे। अभी यह अगले श्लोक में ये प्रक्रिया आगे चलेगी। यहाँ पर क्या है, प्राप्त स्पष्ट भूपरिधि से भाग देना है, किसको भाग देना है, देशांतर से गुणित ग्रह भुक्ति को भाग देना है। ठीक, यह सातवां श्लोक मध्यमाधिकार का, लंबज्याघ्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिस्वकः तेन देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्तिः विभाजिता। फिर चलते हैं एक सातवें श्लोक में, कलादि तत्फलं प्राप्त्याम्, कलादि तत्फलं प्राप्त्याम् ग्रहेभ्यः परिशोधयेत्, कलादिः तत्फलं प्राप्त्याम्, कलादि तत्फलं प्राप्त्याम् ग्रहेभ्यः परिशोधयेत्, यहां पर कलादि तत्फलं तक पहले देखिए, देशांतर से गुणित ग्रह भुक्ति को स्पष्ट भूपरिधि से भाग देने पर क्या आएगा, कलादि फलम माने कलादि फल आएगा, तत्फलं माने उस फल को क्या करना है, प्राच्यां पूर्व में ग्रहेभ्यः परिशोधये, ग्रहों से परिशोधन करना है यानी घटा देना है, प्राप्त कलादि फल को। इस श्लोक से पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, देशांतर से ग्रह भुक्ति को गुणा करके उसको स्पष्ट भूपरिधि से भाग देने पर, भाग देने की जो प्रक्रिया किए थे, वहां पर जो कलादि फल मिला तत्फलं उस फल को प्राच्यां ग्रहेभ्यः परिशोधयेत्, प्राच्यां पूर्व में, कहां से पूर्व में, या आचार्य भी अगले वाक्य में बताते हैं, रेखा प्रतीजी संस्थाने, रेखा प्रतीजी संस्थाने रेखा प्रतीजी संस्थाने प्रक्षिपेत स्युः स्वदेशजाः, क्या कह रहे हैं, उस प्राप्त फल को ग्रहण से घटाना है, कब, प्राच्यां पूर्व में, कहां से प्राच्यां, रेखा, रेखा से प्राच्यां, रेखा से पूर्व में रहने पर, अर्थात रेखा देश से यदि पूर्व में है आपका अभीष्ट स्थान, उस स्थिति में परिशोधये, घटाना है, प्रतीची संस्थाने, प्रतीची पश्चिम में, यदि रेखा से पश्चिम में यदि है स्थान आपका, प्रतीची संस्थाने पश्चिम में रहने पर, प्रक्षिपेत माने उसी में डालना है अर्थात जोड़ना है, तब क्या होगा, ऐसे करने से स्वदेश जाहा स्युः, तो वो स्वदेश के होंगे अर्थात अभीष्ट स्थान के होंगे, कौन, ग्रहा, ग्रह स्वदेश के होंगे, उस स्थान के होंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, तो आप एक बार याद कीजिए अहर्गन साधन को, अहर्गन साधन के वक्त आचार्य जी क्या बताए थे, कि वह लंका का
अहर्गन कहां का प्राप्त हुआ? लंका का प्राप्त हुआ। अहर्गन साधन में यह आया था जब सावंदिन घटा दिए थे, क्षय तिथियों को घटा दिए थे चांद्र दिनों में से, तो वो जो सावंदिन आए, जो दिन राशि आया, जो अहर्गन आया, जो दिनों का समूह आया, वह लंका देश का आया है। अर्थात उसके आधार पर हमने जो ग्रह बनाए हैं वो ग्रह भी लंका देश के हुए हैं। फिर उन ग्रहों को अपने देश का बनाना है, आचार्य यहां पर बता रहे हैं। तो यहां हो जाएंगे ग्रह की भुक्ति को देशांतर से गुना करके स्पष्ट भूपरिधि से भाग देने के बाद जो कलादि फल मिला उसको यदि रेखा देश से पूर्व में है आपका स्थान तो ग्रहों में से घटा देना है, और यदि पश्चिम में है तो ग्रहों में जोड़ देना है, तो वह ग्रह स्वदेश यानी अभीष्ट स्थान के हो जाएंगे। यहां पर बहुत ऐसे शब्द हैं जो पहली बार सुनने को मिले हैं, बहुत ऐसे बात हैं जिनको गहराई से जानने की जरूरत है, तो उनमें से एक है ये रेखा। अभी तक का आचार्य से मुंह से ये बात तो आई नहीं, अभी तक हमने मध्यमाधिकार में पढ़े नहीं। मध्यमाधिकार में केवल आचार्य आंकड़ों को दे रहे हैं हमें जो अपेक्षित है, तो इसी को स्पष्ट करते हैं इससे अगले श्लोक में जो 62वां श्लोक है। इसको 61 को एक बार देख लीजिए। कलादि तत्फलं प्राप्त्यां ग्रहेभ्यः परिशोधयेत् रेखा प्रतीचि संस्थाने प्रक्षिपेत स्युः स्वदेशजाः। अब इसके आगे आचार्य बता रहे हैं रेखादेश कौन सा है, अर्थात हम किस स्थान से पता करें हमारा अभीष्ट स्थान पूर्व में है अथवा पश्चिम में है। यहां हम सूर्यांश पुरुष के वचनों को पढ़ रहे हैं, सूर्यांश पुरुष के वचनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वर्तमान में अपने मस्तिष्क में जो भी है उनको अपने एक किनारे में रखना है। आज के समय में हम जो रेखा जिसको मानते हैं वो ग्रीनविच होते हुए चलता है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और उस समय में सूर्यांश पुरुष जब ये बात कर रहे हैं तो उस समय में रेखा किसको मानते थे और कहां से हमारे स्थान को पूर्व में या पश्चिम में समझने का हम कोशिश करें इसको बता रहे हैं। इस 62वें श्लोक में राक्षसालय देवो कहा, राक्षसालय देवो कहा शैलयोर मध्य सूत्र का। राक्षसालय देवों का, देवताओं का जो स्थान है और राक्षसों का जो स्थान है कहां पर है, इसके पहले एक बार चर्चा तो आया था सुमेरु और कुमेरु, और उस सुमेरु और कुमेरु जो देवताओं के स्थान है उन दोनों के बीच में शैलयो जो शैल है, दो शैल कौन सा, मेरु पर्वत है उधर भी एक सुमेरु के नाम से एक कुमेरु के नाम से, उनके मध्य सूत्रगाह उन दोनों के बीच में जो सूत्र है रेखा है उसमें सूत्रगाह माने उस सूत्र स्थान, उस सूत्र में जो जो है वे सभी क्या कहलाते हैं, रेखा देश कहलाते हैं। राक्षसालय देवो कह शैलयोर मध्य सूत्रगाह, फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो फिर उदाहरण के लिए बताइए उसमें क्या क्या आते हैं, माने हम किनको माने, तो कह रहे हैं रोहतीकम अवंती च, रोहितकम अवंती च यथा सन्निहितम सरह। यथा देवताओं के और राक्षसों के जो शैल हैं उनको मिलाने वाला जो सूत्र है उस सूत्र में जो स्थित है स्थान वे सभी रेखादेश कहलाते हैं, तो यथा जैसे जैसे रोहितकम जो
आज रोहतक के नाम से प्रसिद्ध है, अवंती जो आज के समय में उज्जैनी उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध है, सन्निहितम सरह चा, सन्निहितम सरह जो सन्निहित है सर से, यहाँ सरह ये जो सरोवर कहाँ का, वह प्रसिद्ध पौराणिक सर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के पास जो सरोवर है अर्थात कुरुक्षेत्र, सन्निहितम सर के जो सन्निहित है अर्थात बहुत निकटस्थ है तो कुरुक्षेत्र। तो इनको यथा, जैसे इन्होंने तीन गिनाए हैं, इन तीन के अलावा भी हम उसी रेखा में चलते हुए जितने भी हैं जो आज आज के ग्रंथकारों ने कोटा चिकमगलूर इत्यादि बहुत स्थानों को गिनाए हैं उसमें, तो हम किसी को भी गिन सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए यथा जैसे रोहितक अवंती सन्निहितम सरहा अर्थात कुरुक्षेत्र, ये सभी हैं ये बता रहे हैं आचार्य जी। तो ये हमें क्यों जानना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले के श्लोक में जब कलादि प्राप्त फल का संस्कार करने के लिए ग्रह में, हमें यही जानना था कि रेखा से वह पूरब में है स्थान अथवा पश्चिम में है, तो फिर रेखा क्या है, तो यहां बता दिया सुमेरु और कुमेरु को मिलाने वाले रेखा, जिसमें जिस रेखा में जैसे रोहतक रोहितक उज्जैनी और कुरुक्षेत्र इत्यादि देश है। तो यह हो गया 62वां श्लोक, राक्षसालय देवौ कः शैलयोर् मध्य सूत्रकाः रोहितकमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः। फिर मिलते हैं 33।